हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। मीन्स हम लोग किसी परफेक्ट स्क्वायर का, ठीक है, स्क्वायर रूट देखेंगे और किस मेथड से, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, यू कैन सी हियर आई हैव ऑलरेडी रिटन क्वेश्चन। तो देखो, बिना सबसे पहले हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से, मतलब क्वेश्चन लिखा है, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन से समझ के बनाते हैं, ठीक है, कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। ओके, सी, फाइंड द स्क्वायर रूट, हियर रिटन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 784 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो व्हाट वी विल डू, विल फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे बस देना है हम लोगों को, स्केल से लाइन दे देंगे, फिर ये जो नंबर है, दिस नंबर, उसे यहाँ पे थोड़ा गैप हल्का फुल्का सा गैप दे देंगे, फिर जो भी आपका नंबर है, ठीक है, उस नंबर के पीछे से दो दो के डिजिट के ऊपर, बैक से जो भी नंबर दिया, जैसे ये नंबर दिया ना, इसके बैक से दो दो डिजिट के ऊपर बार लगाना है, ठीक है। जैसे ये एक दो डिजिट बार लगा दिया, पेयर करना है दो दो डिजिट का, ये एक ही है तो चलो एक ही रहेगा। मान लो अगर कुछ नंबर है इस तरीके से रहता है, सपोज ऐसे रहता, तो दो का एक पेयर बना, फिर दो का पेयर और ये एक का पेयर, ऐसे करके बनता, ठीक है। तो यहाँ पे तीन ही डिजिट था, तो एक दो का बना और एक एक का। अब देखो क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले बार कर दिया, अब हम लोगों को ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसा नंबर हम लोगों को सोचना है, ठीक है ना। जैसे ये सेवन है, हाँ, तो सेवन के अंडर में किस नंबर का स्क्वायर इसके अंदर आ सकता है या इसके बराबर आ सकता है, या तो इसके अंदर या तो इसके बराबर आ सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सेवन के नीचे अगर टू का स्क्वायर करा जाए तो क्या आएगा, फोर आएगा। अगर थ्री का स्क्वायर करा जाए तो यहाँ क्या आएगा, नाइन। तो नाइन देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, टू। तो टू का अगर स्क्वायर करेंगे, जिसका स्क्वायर करेंगे उसको इधर लिखने का, और ये जो आएगा, मतलब टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर, उसे यहां लिखने का ऐसे, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस। टेल मी, सेवन माइनस फोर विल गेट थ्री, ओके, सेवन माइनस फोर विल गेट थ्री। अब ये जो पेयर बना था, पेयर को दो, एक पेयर को, मतलब पेयर में जो दो दो डिजिट है दोनों को एक साथ इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। नाउ सी, और ये जो था इसका डबल कर देंगे, टू का डबल फोर, टू का डबल फोर। अब थिंक ऑफ कि यहां पे आपको, जैसे यहां पे फोर लिखा गया है, ठीक है ना, तो मान लीजिए यहां पे फोर है, तो फोर के यहां पे आपको ऐसा नंबर लिखना है, जैसे फाइव लिखा, मान लो ये फोर है तो यहां पे फाइव लिखा, सपोज सी आई एम डूइंग विद पेंसिल, मान लो यहाँ पे फाइव लिखा, हाँ, तो ये 45 हो गया, तो 45 को आपको फाइव यहाँ लिखा, तो फाइव से ही मल्टीप्लाई, अगर हम लोग फाइव यहाँ लिखे तो फाइव से ही 45 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे सिक्स लिखेंगे, सपोज अगर हम लोग को फोर के साथ यहाँ पे सिक्स लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ इस 46 को सिक्स से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिक्स ना लिख के सेवन लिखते हैं, इफ वी विल राइट योर सेवन, तो इस ये बन गया 47, तो 47 को सेवन से ही मल्टीप्लाई करना और देखना क्या इसके बराबर या इससे कम कुछ आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो सी, अगर हम लोग यहाँ पे 47 लिखते हैं, मान लो यहाँ पे सेवन लिखते हैं, ये सोचो सेवन लिखा, तो 47 को सेवन से बगल में मल्टीप्लाई कर लेते, सेवन इंटू सेवन 49, 8 9 कैरी 4, 9, 7 इंटू 4, 28 प्लस 4, 32। तो ये तो देखो अभी भी इससे छोटा हो रहा है, ये इससे स्मॉलर हो रहा है, तो चलो कोई बात नहीं। अगर मान लो 7 ना लिखे, इतने 7 तो होगा नहीं, उससे 8 लिखते हैं, तो ये बन गया 48, तो 48 को हम लोगों को 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 48 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से। तो चलो सी, 6 8 इंटू 4, 8 इंटू 8, 64 का 4 इन हैंड कैरी 6, 8 इंटू 8 इंटू 4, 32 प्लस 6, 38। यू कैन सी ये आ गया एग्जैक्टली, है ना। कभी कभी किसी किसी केस में रिमाइंडर भी बच सकता है, मान लो ये स्मॉलर हो जाता तो रिमाइंडर भी बच सकता, तो ऐसा नहीं है,
ठीक है, तो ये तो आ गया, तो इट मीन्स हम लोग यहाँ पे 4 के साथ 8 ही लगाएंगे और हम लोग को मिलेगा 380। और एक और चीज यहाँ पे हम लोगों ने करना भूल गए थे हम लोग कि ये दो बार में नहीं, ये इतना आया तो हम लोग दो बार लिखेंगे, ठीक है। और ये आपका 8 टाइम्स में कंप्लीटली कट हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। नाउ यहाँ पे माइनस करेंगे, विल गेट नथिंग, ठीक है। अभी और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। सबसे पहले क्या करना था, जो भी नंबर दिया है बैक से दो दो डिजिट का पेयर बना के ऊपर में बार लगा देना, ठीक है। फिर कुछ एक ऐसे नंबर को सोचो जिसका, ऐसे नंबर का स्क्वायर सोचो जो या तो 7 या तो 7 से कम हो, या तो बराबर हो 7 के, लेकिन 7 के बराबर तो कोई है नहीं, किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, ठीक है। तो उससे कम क्या हो सकता है, 3 का अगर हम सोचते तो 3 का 9 आ रहा था, अगर 2 का सोचते तो 2 का 4 आ रहा था, तो ऑफकोर्स 4 होगा, 2 का लिखेंगे। 2 जिसका स्क्वायर लिख रहे है उसे यहां लिखेंगे, और जैसे 2 का स्क्वायर लिख रहे तो 2 यहां लिखे, और 2 का जो स्क्वायर आया मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 ना, 4 को इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आया। अब इस पेयर की बारी आई, तो इस पेयर के दोनों डिजिट को साथ उतारना है, ठीक है ना, एक नहीं दोनों डिजिट्स को उतारना है। फिर यहाँ पे लिखा इस, ये जो भी रहेगा, ये यहाँ पे जो भी रहेगा उसका डबल कर देना है, तो 2 का डबल 4 हो गया। अब यहाँ पे एक ऐसा डिजिट लिखो साथ में, अगर 8 लिख रहे तो इन दोनों डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई करो, अगर 7 लिख रहे तो 7 से मल्टीप्लाई करो, फिर चेक करो क्या ये कट रहा है नहीं कट रहा है, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, और जितनी बार में आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया उसे यहाँ लिखना है, ओके। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ज्यादा और अच्छे से क्लियर होगा। सी दिस वन, इस ये है, तो हम लोग उसी तरीके से फिर क्या करेंगे, स्केल से पहले लाइन ले लें हम लोग, स्ट्रेट लाइन। नाउ सी व्हाट विल डू, ये है 4 4 8 9, इवेल्युएट करना है, ओके। तो अगेन विल मेक द विल डू द पेयर्स, दो दो का पेयर बना लिया, चलो ना थिंक ऑफ अ नंबर जिस 44 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, सबसे पहले दो डिजिट का 44 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम 1 2 का देखें, 2 का स्क्वायर 4, 3 का देखा जाए तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का देखा जाए तो 16, 5 का देखा जाए तो 25, 6 का देखा जाए तो 36, 7 का देखा जाए तो 49, चलो यहां तक में जब हम लोग देखते हैं, तो अब बारी बात ये है 7 अगर हम यहां लिखते हैं, 7 का स्क्वायर 49, लेकिन क्या 49 यहां पे हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 49 44 से बड़ा हो गया, तो उससे कम क्या हो सकता है, 6 होता है, हो सकता है 6 जिसका स्क्वायर लिखेंगे उसे यहां लिखेंगे और यहां पे भी 6 लिखेंगे क्वेश्चन साइड में, ठीक है। और 6 का स्क्वायर कितना है, 36, तो 36 को हम लोग यहां लिखेंगे, नाउ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ओके। तो टेल मी 4 इधर कैरी लिया, तो 4 14 में से 6 क्या 8 आएगा, और यहां 3 में से 3 गया नथिंग, डन, यहां तक क्लियर है। अब ये दोनों डिजिट जो है, अब इसकी इसका काम करें ना, 89 को दोनों डिजिट्स को यहां उतार लेंगे, ठीक है। नाउ टेल मी 6 का डबल 12, ओके। अब सोचो 12 है ना, यहां 12 है तो यहां पे हम बगल में लिख लेते कहीं पे, ठीक है, इस 12 को हम यहां बगल में लिख लेते हैं, ठीक है। तो 12 में कौन सा ऐसा, 12 के साथ यहाँ पे क्या लगाए, मान लो 7 लगाते हैं तो 7 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करो, देखो इतना या इससे कम क्या आता है देखते हैं, 7 × 7 49 9 carry 4, 7 × 14 + 8 7 14 + 4 18 9 carry 1, 7 × 1 7 + 1 8, यू कैन सी अगर हम 7 बार यहाँ पे 7 लगाते हैं, 12 के साथ 7 लगाते तो पूरे नंबर को 7 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को 8 8 9 मिल जाता, और 8 8 9 सी है ना आ गया, कितनी बार में मल्टीप्लाई किया, 7 बार से ना, तो सॉरी यहाँ पे 7 लिख 7 भी लिख देंगे और ये कम्प्लीटली 8 8 9 कट हो जाता है, ठीक है। तो टेल मी ये जो नंबर है आपका 4 4 8 9 किसका स्क्वायर है, ये जो ये आपका 67 का स्क्वायर है, ठीक है। और हम लोगों ने इस यहाँ पे हम लोग भूल गए थे, तो ये किसका था, 7
सेवन, 84 आपका 28, ये जो क्वेश्चन आया इसका स्क्वायर था. ओके चलो नाउ सी थर्ड वन, दिस क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा हम लोग का. ठीक है सी, दिस इज फाइव डिजिट नंबर. अगेन वी विल मेक पेयर वन टू, और ये दो का एक पेयर बना पीछे से, हमें आगे से नहीं करने का कभी भी. फिर इस दो, इन दो नंबर का पेयर बनाया, फिर इसका चाहे जीरो हो या कुछ भी हो. नाउ टेल मी वन किसका स्क्वायर है. वन ऑफ कोर्स वन का ही, वन का स्क्वायर करेंगे क्यों, इसे छोड़ देना है. जो जिसका मतलब जिसके ऊपर बार है उसके साथ लेते चलना है. तो सबसे पहले इसकी बारी आई वन की. हाँ तो वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वन का स्क्वायर वन होगा. तो उसके अलावा कोई और उपाय भी नहीं है, तो हम लोग इसे हाइड करो. वन टाइम में वन लिखा, वन का स्क्वायर क्या होता है वन, माइनस करेंगे विल गेट नथिंग. ओके नाउ टेल मी अब किसकी बारी आई, जीरो फोर की. तो राइट हियर जीरो फोर. ओके एक बार में एक ही पेयर कॉपी हो सकता है, ठीक है. जीरो फोर को लिख दिया. नाउ टेल मी इस वन का डबल करेंगे, वन को डबल करेंगे क्या आएगा, टू आएगा. ठीक है अब तुम ये सोचो कि यहां पे क्या लगाया जाए. ठीक है यहां पे क्या लगाया जाए कि ये आ सके. तो आप ये सोचो अगर इस टू के जगह पे थिंक ऑफ कि अगर मान लो वन भी लगाते तो यहाँ पे हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21. तो ये तुमको नहीं लग रहा कि ये जो है फोर, ये जीरो का कोई वैल्यू तो होता नहीं, तो फोर फोर ये ग्रेटर 21 ज्यादा बड़ा हो जा रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे डिवाइड रूल याद करो. मान लो यहां से ऐसे कुछ क्वेश्चन होता है, उसे लीव करते यही पे समझते. जैसे मान लो अगर हम वन लगाते, ठीक है, तो ये ग्रेटर हो जाएगा 21. कोई भी डिजिट टू के साथ लगाओ तो ये ग्रेट, इधर साइड ये डिवाइजर ग्रेटर हो जाएगा डिविडेंड से. ठीक है तो क्या करेंगे, तो होगा नहीं क्योंकि फोर और यहां कुछ भी लगाएंगे टू के साथ तो वो ग्रेटर ही हो जाएगा 21, 22, 23. ठीक है कुछ भी लगाएंगे तो ग्रेटर हो जाएगा. तो क्या करेंगे, और ये स्मॉलर स्मॉलर, तो एक और पेयर को साथ में उतार लेंगे. ठीक है वैसे उतरता नहीं है दो पेयर एक साथ में, लेकिन अगर ये यहां जो रिमाइंडर यहां पे आया वो स्मॉलर है डिवाइजर से, तो एक और पेयर को यहां लिख लेंगे. और याद करो जब एक और नंबर यहां से यहां उतारते तो यहां जीरो देंगे और यहां पे भी जीरो देंगे. ठीक है यहां पे भी जीरो देंगे. नाउ अब बताओ यहां पे कौन सा ऐसा नंबर लगाया टू के साथ, टू जीरो के साथ. अगर हम वन लगाते हैं, सपोज यहां पे गंदा नहीं करते, टू जीरो वन, वन अगर लगाते तो वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो टू जीरो वन आएगा. लेकिन अगर हम टू जीरो के साथ टू लगाते हैं तो जो यहां लगेगा, मान लो टू लगाया तो टू से मल्टीप्लाई, टू इंटू टू फोर, टू इंटू जीरो जीरो, टू इंटू टू फोर. तो देखो ये 404 कट रहे ना, तो यहां पे क्या लगेगा, टू लगेगा. टू लगा तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री लगता है यहाँ पे तो थ्री से करते, लेकिन थ्री करते तो ज्यादा बड़ा हो जाता, तो टू टाइम में कट गया और ये 404 आपका कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया. ओके सबसे पहले क्या किया, एक बार में याद रखना एक ही पेयर का काम होता है, लेकिन एक पेयर जब यहां से लिखा गया तो ये फोर हुआ, जीरो फोर तो क्या हो गया, सिर्फ फोर हुआ. ठीक है और यहाँ पे टू के टू था, टू का डबल, टू के साथ कुछ भी लगाते तो वो स्मॉलर पड़ जाते इधर वाले से. तो यहाँ एक और पेयर यहां लिखेंगे तो यहां भी जीरो देंगे और डिवाइजर में भी जीरो और क्वेश्चन में भी जीरो दिया. ठीक है अब यहाँ 20 हो गया, तो 20 के साथ अब क्या लगाया जाए, वन लगाया जाए या टू. वन अगर लगाते 20 के साथ तो वन से मल्टीप्लाई तो आएगा आंसर 201, लेकिन अगर टू लगाया 20 के साथ, टू जोड़ा यहाँ पे तो टू से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 404. ओके और जब 404 मिला तो सेम टू सेम आ गया ये, तो ये आपका 202 आ गया. तो कह सकते कि 10,404 किसका स्क्वायर रूट है, 102 का. ओके ये जो क्वेश्चन आता है वही आंसर होता है. ओके नाउ सी दिस इज द 13 नंबर क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 3E. ओके फ्रॉम आरएस अग्रवाल बुक, यू कैन सी व्हाट इट्स रिटन. उस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग का बन सकता है ना. फिर अब देखो, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, मतलब इस नंबर में से वह छोटा नंबर बताओ जो इससे घटाया जाए. जैसे कहने का मतलब इस नंबर में से कौन सा ऐसा नंबर है जो घटाया जाए, ठीक है, ताकि घटाने के बाद जो नंबर आए वो
घटाने के बाद जो नंबर आए वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, मतलब किसी का ये परफेक्ट स्क्वायर हो, समझ आ रही है, मतलब 2509 में से क्या घटाया जाए, ठीक है, जो फिर जो नंबर आए वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके, अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो सबसे पहले हम डिवीजन मेथड से चेक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2509। नाउ पहले तो ये ऐसे कर लिया, फिर दूसरा रूल क्या था कि पेयर करेंगे दो दो का, बैक से दो दो का पेयर कर लिया। नाउ टेल मी 25 सबसे इससे तो हम लोग देखेंगे नहीं, सबसे पहले 25 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है तो किसका है, तो 5 का देखते तो हम लोग का देखो 2 का स्क्वायर, 3 का, 9, 4 का, 16, 5 का 25, देखो 5 का 25 एग्जैक्टली मतलब आ जाता है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पे 5 और यहाँ पे 25, ओके, और डिवाइजर क्वेश्चन में भी 5 क्योंकि 5 टाइम में कटा, तो 5 के टेबल से 25 5 टाइम में कटा, 5 के स्क्वायर से सॉरी, तो माइनस करेंगे विल गेट नथिंग। नाउ हो गया, अब इस पेयर को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ओके, अब ये सोचो, सोचना है हम लोग को, ये 25 का डबल क्या होता है, 5 का डबल करेंगे विल गेट 10, है ना। नाउ अगेन हियर सी, यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है, तो हम लोग अगर सोचो 10 के साथ यहाँ पे अगर 1 भी लगाते हैं तो ये 101 और यहाँ पे 1 करेंगे तो 101 आएगा, तो लेकिन ये 9 जो है ना, सिर्फ 9 ही हुआ ना, ये 0 तो की तो वैल्यू नहीं आगे लगाते, तो 9 है, 9 क्या 101 से स्मॉलर है, यहाँ पे फिर से देखो ये जो है आपका जो डिविडेंट है वो स्मॉलर आ गया और ये ग्रेटर आ गया, तो अब तो कुछ कर सकते नहीं, और यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं कि यहाँ पे एक और 0 लिखकर और यहाँ 0 लिखकर हम लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपल सा, अब कुछ तो हो नहीं सकता तो डिवाइड में याद करो, डायरेक्टली जब यहां से यहां पे कोई नंबर माइनस करके यहां से डायरेक्टली अगर यहां कोई नंबर लिखते थे और कट नहीं सकता तो यहां पे 0 कर देते थे, याद है, तो उसी तरीके से अब ये तो यहां से डायरेक्टली उठा कॉपी हुआ है लेकिन अब कट तो सकता नहीं है, तो यहां पे 0 कर देंगे और यहां पे भी 0 कर देंगे, तो नाउ टेल मी कि अगर ये 0 यहां 9 ना बचता, 9 नहीं बचता, जैसे 2500 ही होता, 9 ना होता तो 2500 सिर्फ होता तो ये 50 का स्क्वायर होता या नहीं होता, होता ना, तो उसी तरीके से मीन्स 2509 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया गया, अगर हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 2500 और 2500 किसका स्क्वायर है, 50 का, तो हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर, यहां पे ये भी पता चलता है हम लोग को कि दिस शोज दैट, इससे ये पता चलता है कि 50 जो है हम लोग का, 50 का स्क्वायर जो होगा इज लेस देन, और इतना ये लिखने का मन नहीं तो डायरेक्टली ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, 2509 इससे तो कम ही होगा क्योंकि क्या है, कम है तो क्या है, 2500 है, तो सो द लिस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2509 इज 09, या डायरेक्टली 9 लिख सकते, ओके, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा हम लोगों का, तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, या रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 2509 में से 9 माइनस कर देंगे तो वी विल गेट 2500, एंड 2500 किसका स्क्वायर है, 50 का, ओके, हैव यू गॉट दिस, चलो विल सॉल्व रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन माय प्रीवियस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू लाइक्स, एंड दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।